ढाई साल का बच्चा बोलना शुरू हो जाता है तो पांच साल की उम्र तक बोला ही नहीं, और जब बोलना शुरू किया तो बंद ही नहीं हो रहा। घर वाले यही कहते हैं पांच साल तक पता नहीं वो तालू चेक कराया ये चेक कराया, बट आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक, मैं बोलता ही नहीं था कुछ भी। एक बार होता कुछ लोग तोतला बोलते थे तो उनका तालू काट दिया जाता था थोड़ा सा कि हाँ, तो आप बोलते वैसा कुछ भी नहीं था, मैं बिल्कुल नहीं बोलता था। और फिर पांच साल के बाद पता नहीं सुखन सुखन माँ बाप ने की या मामा ने कुछ किया, उसके बाद जब बोलना स्टार्ट किया तो घर वाले बोलते थे तू पता नहीं कोई ऐसा काम करेगा जहाँ बोलने का ही काम हो, ऐसे ही बोल दिया करते थे। वो माँ के आशीर्वाद था, जैसे बोल में ही वो आशीर्वाद था, वैसा ही काम मिला, उसके पैसे मिलते हैं बोलने के पैसे मिलते हैं। छोटू डोगरी को तू सीखी, बड़ी शायद डोगरी बोल रहा डोगरा महाराज सतवारी रोन वाला। हमारे साथ ये खूबसूरत सा चेहरा आप देख रहे हो ना, ये सारंग है और बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से लोग अब और भी बड़ा कुछ जानेंगे इनके बारे में, क्योंकि 2012 में एक आंधी आई की तूफान आया और माइक के लाल कंपटीशन के विनर भी बने। मैं बात करूंगा आज से 15 साल पहले जब हम देखा करते थे डीडी वन या फिर डीडी काशी देखा करते थे, तो हम उस समय खबरें सुना करते थे काफी अच्छा लगता था। उसके बाद रेडियो जब हम सुना करते थे तो ऐसे टेप रिकॉर्डर कान में हुआ करता था। जब जमाना नया आया ना तो नए जमाने के जब नए हीरो इस तरीके से आए और आजकल चार चांद और भी लग जाते हैं, वो भी बड़ा अच्छा बोलते थे, लेकिन आजकल के जो है ना ये सारंग जी मुझे ये बताओ, ये बचपन में ही इतना बातें करने का शौक था, कभी ऐसा हुआ कि भाई कम बोला कर कम बोला कर क्या इतना बोल रहा, कभी ऐसा घर पे होता था? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच राहुल जी, आपने इन्वाइट किया दी जेके पेजेस को, सबसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ मैं। और जब बात की आपने बातें करने की तो चौंक जाएंगे आप, पांच साल की उम्र तक मैं बोला ही नहीं था कुछ भी। ढाई साल का बच्चा बोलना शुरू हो जाता है तो पांच साल की उम्र तक बोला ही नहीं, और जब बोलना शुरू किया तो बंद ही नहीं हो रहा। घर वाले यही कहते हैं पांच साल तक पता नहीं वो तालू चेक कराया ये चेक कराया, बट आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक, मैं बोलता ही नहीं था कुछ भी। एक बार होता कुछ लोग तोतला बोलते थे तो उनका तालू काट दिया जाता था थोड़ा सा कि हाँ, तो आप बोलते थे? वैसा कुछ भी नहीं था, मैं बिल्कुल नहीं बोलता था। और फिर पांच साल के बाद पता नहीं सुखन सुखन माँ बाप ने की या मामा ने कुछ किया, उसके बाद जब बोलना स्टार्ट किया तो घर वाले बोलते थे तू पता नहीं कोई ऐसा काम करेगा जहाँ बोलने का ही काम हो, ऐसे ही बोल दिया करते थे। वो माँ के आशीर्वाद था, जैसे बोल में ही वो आशीर्वाद था, वैसा ही काम मिला, उसके पैसे मिलते हैं बोलने के पैसे मिलते हैं, बोलने के पैसे मिलते हैं। और शादी कितने साल हुए? शादी को पांच साल हो गए। तो फिर दोबारा पांच साल से बोलना बंद है? कहने का मतलब है मैं परसों तो जुदा बता रहा हूँ, देखो पहले पांच साल नहीं बोले और शादी को भी पांच साल हो गए, तो नहीं अब तो राहुल भाई ने सवाल भी ऐसा पूछा कि कितने साल हुए हैं, अब इस पे ना मेरे को गाली पड़ सकती है कैसे, क्योंकि 4.5 साल हुए हैं, पांच साल नहीं हुए, बोलेंगे पांच साल तो हुए नहीं है, एक तो कैलकुलेशन हमारी खराब हो जाती है ना। मेरे को भी पूछता मैं 8 साल हुए, लेकिन कल 9वां साल रहा, अभी खत्म हो जाएगा, तो कभी 8 या 9 के बीच में रहता ही रहता है। अच्छा इस तरह से बन गए, बहुत इस तरह से। अच्छा मुझे एक चीज, आज की डेट में आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? आई मीन कईयों का क्या होता है, चलो फैमिली मेंबर्स हैं, बाकी दोस्त हैं, एक तन्हाई, एक अकेलापन, या एक मतलब माउंटेन से प्यार बड़ा है, ब्यूटी से प्यार बड़ा, कुछ ऐसी चीज है जिससे आपका कहीं ना कहीं टेंशन दूर कर देती है कोई ऐसी चीज? आई थिंक ये ऑफिस, जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ कुछ भी हो मेरी लाइफ में चल रहा हो, सबके कोई ना कोई परेशानियां होती है, बट मेरे को वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ जम्मू वालों के लिए काम करना है, जम्मू वालों से बात करनी है और उन्हें एंटरटेन करना है। जब ये दिमाग में आती है ना बात, सारी टेंशन भूल जाता हूँ। 5 घंटे बाद हाँ वो टेंशनें दोबारा आ जाती हैं, लेकिन जब इधर मैं बैठता हूँ म्यूजिक ऑन हो जाता है सब टेंशन दूर हो जाती है। तो जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है वो ये मेरा माइक है। क्या बात है, ये माइक जो है ना सबसे अच्छा दोस्त, और हाँ मेरा भी वही, और मेरा भी सबसे अच्छा दोस्त है, ये बात सच है। और ये जो डेडिकेशन होती है ना काम को लेकर, बड़ी मेहनत लगती है, जैसे ये आरजे है, अब आजकल आरजे वीजे भी है, आजकल दिखते भी है, लेकिन जैसे इन्होंने बात की ऑब्जर्वेशन, मुझे एक चीज जाननी है, जैसे सुबह बाई चांस की बारिश का मौसम, आप घर से निकल रहे हो और हम देखते हैं कि खड्डे भी है रास्ते में, पानी भरा है, तो क्या वो चीजें यहाँ पर शो में आकर डिस्कस होती हैं कि देखिए जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत तो अच्छे काम हो रहे हैं लेकिन कहीं पर कमी पेशी, क्या वो भी चीजें होती है डिस्कस? बिल्कुल होती है, एक आईना दिखाने की कोशिश करता हूँ, जम्मू वालों की बात करता हूँ, अगर उनकी बात अथॉरिटीज तक नहीं पहुंच रही है तो कोशिश करता हूँ उनकी बात वहां पर तक पहुंचाऊं मैं। एंड जैसे आपने ऑब्जर्वेशन की बात की तो बरसात के मौसम की बात की, एक इंसिडेंट आपको बताता हूं। जब मैं आ रहा था ऑफिस, एक वेंडर होगा, चाय बनाने वाला वेंडर होगा, पूरा सामान उसने रखा हुआ अपने साइकिल के ऊपर, रिक्शा पूरा सामान भरा हुआ और पूरा पॉलिथिन के साथ कवर किया हुआ, बहुत तेज बारिश आ रही है लेकिन वो चल रहा है, वो चल रहा है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। एंड अगर वो उस दिन ना आए बारिश वाला,
जो चाय वाला है ना आए, आपको चाय का स्वाद नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कमी हो जाएगी, इसीलिए वो आपके लिए काम करना चाहता है, वहां पर वो पहुंचा। वैसे ही हम अपने अपना काम करने पहुंचते हैं उन जगहों पे कि लोगों को अपनी चीज मिल पाए, लोगों को जो जो एक सर्कल है ना, उस सर्कल को हम कंप्लीट कर पाए। बस लाइफ में अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो ये जरूर बने कि 10 लोग आप पर डिपेंडेंट जरूर रहें, एक दिन अगर आप एब्सेंट हो जाएं तो हिल जाए वो सर्कल। तो वो सर्कल वो चाय वाला भी है, वो सर्कल मैं भी हूं, वो सर्कल आप भी हैं। अगर आप खबरें नहीं पहुंचाएंगे जम्मू वालों तक तो उन्हें कैसे पता चलेगा, उनकी लाइफ कैसे कंप्लीट होगी। तो मैंने वही बात आके की और मुझे इतनी कॉल्स आई, वो सब कहने लगे यार मजा आ गया जो आपने जिस तरह से बात की है और उस वेंडर के बारे में बात की है। और वेंडर की वो हिम्मत कि चाहे बुखार है, बीमार है या बारिश हो रही है, कुछ भी है, हर काम करने वाले को वो पैशन होना चाहिए। क्या बात है, मुझे ऐसा लग रहा था मॉर्निंग शो 7 बजे आज मैं उठ के आ चुका हूँ और वो रियलिटी है, वही आवाज जो हम मतलब रेडियो में सुनते हैं, जब गाने हम गाड़ी पे लगाते हैं उसके साथ साथ आवाज जब ये सुनने को मिलती है ना, तो सेम वो फील इस समय यहाँ पर आ रहा था। ऐसा लग रहा था मैं पता नहीं लास्ट टाइम कब सुबह मॉर्निंग उठा था, जब कभी मैच हो बैट बॉल तो उठ जाते हैं, अदरवाइज नहीं। हाँ, सारंग बड़े अच्छे खिलाड़ी भी है, मतलब सारंग गेंदबाजी जो है ना उमरान मलिक से बस 5-10 किलोमीटर थोड़ी पीछे कराते हैं, और मतलब इतनी तेज गेंदबाजी करते हैं, विकेट भी लेते हैं, लंबे लंबे छक्के भी लगाते हैं, ऐसी बात नहीं है। सारंग ये जो टैलेंट है बड़े कम लोगों को पता है, ये कब से मतलब ये आदत है, ये प्यार है या फिर क्या है? हर एक हिंदुस्तानी तीन चीजें तो जरूर करता है अपनी जिंदगी में। 90s बॉर्न जो है वो शाहरुख खान का फैन है, वो क्रिकेट खेलता है और वो गाने सुनता है। तो बचपन से ही क्रिकेट का शौक था और गली में खेलना स्टार्ट किया, फिर ग्राउंड में खेलना स्टार्ट किया। पैशन तो वो रहता है कि यार हम देश के लिए खेले, बट जब किसी को देखता हूँ देश के लिए खेलते हुए, जैसे उमरान की बात की तो अपना सीना एकदम चौड़ा हो जाता है। कभी किसी ने कहा कि आपको पहली बार देखकर मिस जज कर लिया हो, यार ये बड़ा आकड़ू हो सकता है, एटीट्यूड भरा पड़ा होगा, पता नहीं किस तरीके से बात करता होगा, फिर उसका मतलब माइंडसेट चेंज हो गया वो बात करने के बाद, यार मैं तो कुछ और ही धारणा दिमाग में लेके बैठा था, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत बार होता है मेरे साथ, बहुत बार लोग ऐसा सोचते हैं, बट मेरा काम एक्सट्रोवर्ट वाला है, बट मैं एक्चुअल में इंट्रोवर्ट हूँ। मैं बहुत कम बोलता हूँ, रिश्तेदारों से अगर बात करोगे कहते हैं ये तो लड़का बोलता ही नहीं है, कुछ कहता ही नहीं है। बट व्हेन आई एम इन माय फील्ड, या स्टेज पे मुझे खड़ा देखोगे आप या दोस्तों के साथ देखोगे तो मैं अलग ही हूँ, फिर अलग हो जाता हूँ। एक आरोप लगता है आपके फॉलोअर्स का, चाहने वालों का, शायद वो क्रिटिक्स भी हो, मैक्सिमम सारंग को चश्मा पहनना पसंद है वो, इसीलिए तो ताकि चश्मे के अंदर से वो सब चीजें ऑब्जर्व कर सके और उस पर कोई स्टोरी कहानी ब्याह कर सके 7 बजे जो आंखों में जो है खुली आंखों से नहीं हो सके। ये आपको पता कहाँ से चला कि मैं चश्मा लगाता हूँ और ये सब ये कंप्लेन करते हैं मेरे बारे में? कुछ तो हमारे सोर्सेस है, कुछ ऐसी हरकतें मैं भी करता हूँ। अच्छा, यूनिवर्सिटी टाइम से या अब जब आरजे बना उसके बाद? बेसिकली आफ्टर मैरिज से, क्योंकि उससे पहले तो खुली आंखों से घूमते थे, मैरिज के बाद वो चश्मा लगाना पड़ता है। ये चश्मा मेरे साथ कॉलेज टाइम से है, यूनिवर्सिटी टाइम से है, और बहुत सारे लड़के नहीं लड़कियां ज्यादा बोलती थी इसका चश्मा उतरवाना है, यार ये चश्मा पहन के रखता है। लड़की का जिक्र कीजिए, हम उसके साथ प्रोमो लगाएंगे लड़कियों से डेली सोप की तरफ नहीं, ये लड़कियों से कॉम्प्लीमेंट्स आपको बहुत मिले होंगे। कॉम्प्लीमेंट नहीं, वो तो मतलब बेइज्जती करती थी, चश्मा उतारे ये लड़का चश्मा पहन के रखता है पूरा टाइम। यूनिवर्सिटी होता था खास कर, मतलब यार ये CID प्रद्युमन की तरह डैल लग रही है, दया की तरह पर्सनैलिटी लग रही है, ये पक्का KPS ऑफिसर कुछ ना कुछ करेगा या IAS क्लियर करेगा। नहीं, वो लोग समझते थे वही आंकड़ू है इसलिए चश्मा लगा के रखता है, बट ऐसा था नहीं। फिर जब चश्मा उतार के आराम से बात करते थे तब पता चलता था ये नॉर्मल है, यार नॉर्मल है। देखो आपसे तो पुराने लोग सुनता है, लेकिन एक सतवारी वाले लोग आपको खासा पसंद करते हैं, वो सतवारी के छोटू जी से मिला दीजिए, जो मतलब तो सतवारी का छोटू की आज गाथा सुनते हैं, सतवारी का छोटू आया कहाँ से है, और ये देखिए अभी सतवारी का छोटू मिलने वाला है। राहुल भाई क्या हाल है आपका? अरे मेरा हाल तो ठीक है, ये आपने इतने ऊपर बाल कैसे कर लिए, ये गाना देख लिया अमृतमान का? ओ यार तुझे पता नहीं है, जम्मू के बड़े बड़े सलों में जाता हूँ मैं, ये जो हेयर कट हुआ ना एवनी की तरह मैं यार पे लगे यार पे। मैं 100 रुपए करने करवाया है एहोजी, वैसे मेरा दोस्त लैंदा था बाकी को 300 रुपए, मेरे को 100 रुपए ले, लेकिन एहोजी बाल नहीं, मतलब जेल भी ला जी करने यार पे आला है महाराज, क्या करा दे तुसी, चलो मेरे नाल मैं दसवा तेन, कोई कूपन शूपन लभी आगे 50% ऑफ वाले? मैं भी तो फ्री लेता है, सारंग बैठे हुए मैं इतने। तो क्या यार सारंग पर चल रहे यार, सारंग ये छोटू के सतवारी लोगों ने बहुत पसंद किया और मेरा फेवरेट बड़ा है, और मैं ये जानूंगा ये छोटू का सतवारी मतलब आया कहाँ से सफर करके, 7 समुद्र पार से है? जब हम लोग रेड FM में सारे के सारे जब स्टार्ट हो रहा था जम्मू में,
तो दिल्ली में थे हम लोग, सोच रहे थे कि कोई एक कैरेक्टर बनाना है हमें, जैसे बउआ इज वेरी फेमस ऑल ओवर इंडिया, बड़े फेमस है, तो बहुत सारी आवाजें मैंने ट्राई की, मिमिक्री आर्टिस्ट रहा हूँ मैं। बोलूँ मैं बउआ भी एग्जैक्टली आपकी तरह मुझे मौका मिला था उनका एक बार जम्मू आए थे इंटरव्यू करने का, रेडिसन ब्लू में गया था, तो वो जब माइक ऑन हुआ ना बातें तो बोली जा रही है, अदरवाइज उन्होंने ये डिस्कस भी किया कि मैं वैसे बिल्कुल नहीं बात करता। एग्जैक्टली वो भी काफी इंट्रोवर्ट है, बट जब माइक ऑन होता है तो वो एक्सप्रेसिव है बहुत। तो दिल्ली में हमने डिसाइड किया कि कोई एक ऐसा कैरेक्टर बनाते हैं, आवाजें जब उन्हें अच्छी लगी तो एक सतवारी का छोटू वहां से निकला, हमने जगह का नाम सोचा, छोटू सोचा। और जब जम्मू में मैं करता रहा 2-3 साल हो गए, फिर सोचा यार इसको एक इमेज देनी चाहिए। थिएटर और एक्टिंग, बिल्कुल मैंने 16 साल थिएटर किया है। अरे वाह, बट निकली है वहीं से आया टैलेंट, बट अब मैं थिएटर थोड़ा रुक गया है, मैं कर नहीं पाता हूँ। 16 साल में काजोल के साथ या फिर बाकी हीरोइनों के साथ काम करने कितना मौका मिला उस 16 साल पहले वाले शाहरुख खान को? नहीं वैसे इतना नहीं मिला, हाँ जम्मू के लिए दूरदर्शन के लिए कुछ मैंने संभाल रहे हैं कि घर पे मतलब भाभी जी ना देख लें, रियलिटी बताना। नहीं उन्होंने मेरे सारे सीरियल देखे हैं जो भी मैंने दूरदर्शन के लिए किए, थिएटर्स जो मैं करता रहा, वीडियोस हम बनाते थे, हम एक्चुअली यूथ फेस्टिवल्स में जाया करते थे। यूथ फेस्टिवल का क्या बेनिफिट होता था, देखिए आना जाना उनका, रहना उनका, और हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से सभी लोग वहां पे इकट्ठे होते थे। एग्जैक्टली, ये कपिल शर्मा और सुगंधा मिश्रा, ये सब यूथ फेस्टिवल के प्रोडक्ट हैं, और मैं भी गर्व से ये कह सकता हूँ कि मैं भी उसी का ही प्रोडक्ट हूँ। और मैं भी गर्व से कह सकता हूँ, हालांकि हमारे जम्मू कश्मीर से 125 बच्चे जाते थे, 124 लीगली जाते थे, 125 मैच फ्री खाते जाता था ये बोल के जनाब मेरे में टैलेंट है मुझे ले जाओ तो पहली बार ऐसा हुआ था साल 2009 में कि ऑल ओवर इंडिया जम्मू यूनिवर्सिटी की स्किट जो थी वो फर्स्ट आई थी। हम नॉर्थ जोनल में सेकेंड आए थे, बट जब कोलकाता गए नेशनल्स के लिए तो वी स्टूड फर्स्ट आए थे। कोई डांस का, कोई गाने का? गाने का तो नहीं, क्योंकि आवाज मेरी वैसी नहीं है, आवाज में मतलब अब ऐसी गाऊंगा तो भाग जाएंगे सारे के सारे। हम गजल सुनेंगे, कोई बात नहीं है गाने का आज सच नहीं है, बट हाँ कभी कभार जब मूड में होते हैं तो गुनगुना देते हैं, और एक वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग जो मैं रेगुलर सुनता रहता हूँ तो वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे, बट गा नहीं सकूंगा भाग जाएंगे, जो व्यूज आ भी रहे होंगे वो भी चले जाएंगे। नहीं हम मौका तो जो क्रिटिक्स है उनको भी तो देना चाहिए ना, वो भी तो कुछ करें। अच्छा सतवारी का छोटू, चलो ये गा देगा जो सारंग को बड़ा पसंद है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, सारंग तू देना ना साथ मेरा तो खैर सॉन्ग तो ये बड़ा अच्छा, इनके साथ आई कन्वर्सेशन रही, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, इतना टैलेंट है, मतलब इतना बल्क में टैलेंट यार, आई मीन कभी मान नहीं किया ना अपने तो खैर ये छोटू जो सतवारी का है इसकी भी कहानी एक दिन बताएंगे अब आपको, ये बड़ी दूर से सैर करके आया, 7 समुंदर पार से, तभी ये इस तरह डैशिंग की पर्सनैलिटी है, और शूज देखिए इन्होंने क्या बात है, देखो इतने सॉफ्ट है, वाह क्या बात है। तो खैर सारंग जाते थे कुछ कहना चाहते अपने व्यूअर्स को, 91.9 एफएम के लिसनर्स को? जो पैशन है उसकी तरफ आप चल पड़ो बस, जिंदगी में अगर आप पैशनेट हैं तो हर एक चीज हासिल कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, जस्ट बी पैशन टुवर्ड्स योर वर्क, अगर वो आ गया ना तो फिर कोई टेंशन नहीं होती, काम करने में मजा आने लगता है, हर एक चीज में मजा आने लगता है, बस पैशन जनरेट करो, पहचानो और आगे बढ़ो। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, और जिस चीज से आपको प्यार है और जो काम आपको पसंद है आप वही कीजिए, वरना वो आपने मूवी देखी थी 3 इडियट्स, आर माधवन मत बन जाना कि पिताजी को मनाता ही रहा कि मुझे फोटोग्राफी का शौक है, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी, मुझे आपने इंजीनियर बना दिया। पढ़ाई जरूर कीजिए लेकिन अपने पैशन को फॉलो कीजिए, मेहनत कीजिए, रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे, देखते रहिए जगह पेरीज। मैंने सुना राहुल खत्रिया है ऑफिस में, देखो मैं आ गया ढाई साल का बच्चा बोलना शुरू होता है तो 5 साल की उम्र तक बोला ही नहीं, और जब बोलना शुरू किया तो बंद ही नहीं हो रहा। घर वाले यही कहते हैं 5 साल तक पता नहीं वो तालू चेक कराया, ये चेक कराया, बट आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक, मैं बोलता ही नहीं था कुछ भी। एक बार होता है कुछ लोग तोतला बोलते थे तो उनका तालू काट दिया जाता था थोड़ा सा कि हाँ, तो आप बोलते वैसा कुछ भी नहीं था, मैं बिल्कुल नहीं बोलता था, और फिर 5 साल के बाद पता नहीं सुखन माँ बाप ने की या मामा ने कुछ किया, उसके बाद जब बोलना स्टार्ट किया तो घर वाले बोलते थे तू पता नहीं कोई ऐसा काम करेगा जहाँ बोलने का ही काम हो, ऐसे ही बोल दिया करते थे, वो माँ के आशीर्वाद था, जैसे बोल में ही वो आशीर्वाद था, वैसे ही काम मिला, उसके पैसे मिलते हैं, बोलने के पैसे मिलते हैं। छोटू डोगरी को तू सीखी? बड़ी शैल डोगरी बोल रहा। मैं डोगरा महाराज सतवारी रोन आला।
कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करें होम अप्लायंसेस की शॉपिंग बाय सैमसंग प्रोडक्ट्स में ऑफर्स सीएसडी फैसिलिटी के साथ कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सतवारी अखनूर और जेडीए कॉम्प्लेक्स सिटी चौक कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करें होम अप्लायंसेस की शॉपिंग बाय सैमसंग प्रोडक्ट्स में ऑफर्स सीएसडी फैसिलिटी के साथ कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सतवारी अखनूर और जेडीए कॉम्प्लेक्स सिटी चौक कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करें होम अप्लायंसेस की शॉपिंग बाय सैमसंग प्रोडक्ट्स में ऑफर्स सीएसडी फैसिलिटी के साथ कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सतवारी अखनूर और जेडीए कॉम्प्लेक्स सिटी चौक कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करें होम अप्लायंसेस की शॉपिंग बाय सैमसंग प्रोडक्ट्स में ऑफर्स सीएसडी फैसिलिटी के साथ कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सतवारी अखनूर और जेडीए कॉम्प्लेक्स सिटी चौक कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करें होम अप्लायंसेस की शॉपिंग बाय सैमसंग प्रोडक्ट्स में ऑफर्स सीएसडी एनआईएसटी Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hairdressing and Nail Extensions, now also in Gandhinagar, Jammu. State-of-the-art infrastructure. Real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing. And also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality, but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn, and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hairdressing, and nail extensions. NIST, 40AD First Floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu, and Sidco Chowk, Axis Bank Building, Bari Brahmla.